सेम सेक्स मैरिज को रिकग्नाइज नहीं किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और आज का जजमेंट ये प्रूव करता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम पुराना चलाया हुआ है उसमें कोई भी वल्गरनेस नहीं आए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए, और कानून को बदलने का अधिकार केवल भारत की पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट जो आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वही आवाज़ जो है वो जो है इम्प्लीमेंट होगी जो आम जनता मेजोरिटी से चाहती है। अगर किसी को अमेंडमेंट कराना है तो वो पार्लियामेंट में अपने एमपी के थ्रू बिल रखाए और उसको पास कराए। सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को कोई रिकग्नाइज नहीं करेगी, कोई इस चीज़ को इजाज़त नहीं देगी जिससे समाज बढ़ता हो, वल्गरनेस आता हो, जो हमारा पुराना जो हमारी सभ्यता है उसको उन्होंने मेंटेन रखा है। फ़ायदा ये हुआ जो कुछ एलिमेंट इस तरीके का माहौल ख़राब करना चाहते थे आज उन पर फुल स्टॉप लग गया है। इस तरीके की जो कई बार जो हमारी कुछ फॉरेन पावर्स जो इंडिया को डेवलप होने से रोकना चाहते थे, हमारी जो सोसाइटी हमारा जो सिस्टम को ब्रेक डाउन करना चाहते थे, आज उनको बहुत धक्का लगा है और हमारी ट्रेडिशंस कंटिन्यू रहेंगे। जो ये कहते थे कि हम कोर्ट से करा लेंगे, आज उनको पता चल गया है कि हिंदुस्तान की भी कोर्ट जो हमारा जो सिस्टम को चेंज करने के लिए नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो हैं वो ये मानती हैं कि कानून बनाने का, कानून को अमेंड करने का अधिकार भारत की संसद को है आज, और भारत सरकार का भी यही था। तो आज जीत आम जनता की हुई है क्योंकि पार्लियामेंट जो है आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो वो चाहते हैं।